बुखार उतारने के उपाय। तो इस वीडियो में आपको हम बताएंगे, अगर आपको अचानक तेज़ बुखार हो जाए रातों रात और कोई आपके पास ऑप्शन ना हो, तो उसके लिए आपको हम उपाय बता रहे हैं। तेज़ बुखार उतारने के घरेलू उपाय। माथे पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखने से तेज़ बुखार जल्दी उतरता है। इसके लिए ठंडे पानी में एक कपड़ा भिगो कर अपने माथे पर कुछ देर तक रखें, उसके बाद इस प्रक्रिया को फिर से दोहराएं। ऐसा करने से थोड़ी देर में शरीर का तापमान कम हो जाएगा। इसके अलावा आप गीले कपड़े या स्पंज को अपने गर्दन बगल या पैरों या हथेलियों पर भी रख सकते हैं। तुलसी। तुलसी सेहत का खजाना मानी जाती है। इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं। तुलसी बुखार का परमानेंट इलाज कर सकती है। बुखार उतारने के लिए तुलसी के पत्तों को शहद के साथ खाएं। इसके अलावा तुलसी की पत्तियों का काढ़ा बनाकर पीना भी फायदेमंद हो सकता है। पुदीना अदरक। पुदीना और अदरक को मिलाकर काढ़ा बनाना और उसका सेवन बुखार से झटपट आराम दिला सकता है। बुखार चढ़ने पर इस काढ़े का सेवन दिन में 2 से 3 बार करना चाहिए। इसके अलावा पुदीना और अदरक का पेस्ट बनाकर 1 चम्मच गर्म पानी के साथ सेवन करने से इसे काफ़ी फायदा मिल सकता है। हल्दी। रसोई का सबसे खास मसाला हल्दी बुखार को भगाने में कारगर हो सकता है। रात में सोने से पहले 1 गिलास गुनगुने दूध में हल्दी और 1 चुटकी काली मिर्च पाउडर मिलाकर पिए। इसे जल्दी बुखार से आराम मिल सकता है। लहसुन। लहसुन बेहतरीन एंटीबैक्टीरियल फूड आइटम है। बुखार उतारने में यह काफ़ी कारगर है। बुखार चढ़ने पर 2 से 3 कली लहसुन की कुचल कर गुनगुने पानी के साथ निगल जाए। लहसुन का सूप बनाकर पीना भी बुखार को भगा सकता है। चंदन। अगर किसी को तेज बुखार है और लगातार तापमान बढ़ रहा है, तो चंदन का लेप लगाना फायदेमंद हो सकता है। माथे पर चंदन का लेप लगाने से ठंडक मिलती है और इससे तापमान कम होने लगता है। बुखार कम करने में चंदन का लेप काफ़ी कारगर माना जाता है।